अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शेफ अल्ताफ और आज मैं आपके लिए लाया हूं आलू की कतलियों का सालन, आलू करी भी कह सकते हैं इसको। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का बनता है। चलिए देखिए किस तरीके से बना रहे हैं आलू की कतलियां। यहां पे मेरे पास हैं दो चीज़ें, एक छोटे साइज़ का नॉर्मल मैंने प्याज लिया है और एक अदद हमारे पास टमाटर है, वो थोड़ा सा बड़ा था। यहाँ पर एक जग है और उसमें डाल के हमने इसको पीस लेना है अच्छे तरीके से। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा अच्छे तरीके से ये पेस्ट बन जाए। एक फ्राई पैन है, उसके अंदर हम डाल देंगे जो हमारा टमाटर और प्याज का पेस्ट बना हुआ था, और इसको हमने जस्ट पकाना है अच्छे तरीके से जब तक इसका पानी अच्छे तरीके से खुश ना हो जाए। तरीके से इसका पानी देखें खुश्क हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। हम इसकी भुनाई करेंगे, हमारी प्याज और टमाटर की जो फ्लेवर स्मेल है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए और ये फ्राई हो जाए। भुनाई हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइस। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक जस्ट ऑफ टेस्ट, साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास है कुलवंजी, ऑनियन सीड भी आप इसको कह सकते हैं और कुलवंजी भी कह सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ये भी हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। चॉप गार्लिक वो भी डाल देंगे तकरीबन 2 जगह, और इसको अब हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। हम मसाला भून लेंगे, यहाँ पे आपने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर हम शामिल करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो आलू हैं, एक आलू बड़े साइज़ का या छोटे से नॉर्मल 2 साइज़ के आलू हों, और हमने उसको काटना है ऐसे पतले फ्लैट, ऐसे कतलियाँ भी बोला जाता है इसको और पतले पतले भी कहा जाता है। इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। तकरीबन 1 गिलास हमने डाल देना है आलू गलाने के लिए। ये जो हमारे आलू कटे हुए हैं इसको हमने गलाना है। जस्ट इसमें ग्रेवी नहीं होती, ज़्यादा थिकी सालन होता है। मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से होता है। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारे आलू भी गल चुके हैं और इसमें अभी पानी है, ये देखें, लेकिन आलू हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसको हाई फ्लेम करके थोड़ा सा हम भुनाई कर लेंगे, पानी खुश्क हो जाए। थोड़ी सी जो ग्रेवी है इसमें इस और थोड़ी थिक करेंगे, पतली है, और इसमें मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगा लाल मिर्चें, थोड़ी सी मैंने खूबसूरती के लिए ऐड कर रहा हूँ इसमें। ग्रीन भी आप इसमें डाल सकते हैं, गोल वाली भी आप इसमें मिर्च डाल सकते हैं। साथ में शामिल कर देंगे धनिया हरा कटा हुआ, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इसको। तो माशाल्लाह हमारा खूबसूरत सा सालन तैयार है और इसको हम करते हैं प्लेट में। माशाल्लाह सालन अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, आलू की कतलियाँ कह सकते हैं इसको और आलू की करी भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, खूबसूरत सी है। ये देखें यहाँ पे कलर इसका बहुत अमेजिंग लग रहा है। अगर आप लोगों को पसंद है तो मेरे चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए ओके, अल्लाह।